हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने रूटीन थोड़ा चेंज कर लिया वर्कआउट का। नॉर्मली मैं वन बॉडी पार्ट पर डे करता था, बट अभी मैंने टू बॉडी पार्ट पर डे का रूटीन स्टार्ट किया है आज से। तो फर्स्ट डे है चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो पहले हम वार्म अप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम चेस्ट वर्कआउट शुरू करेंगे, उसके बाद हम ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे। इसी तरह हम रोज़ दो बॉडी पार्ट्स का वर्कआउट करेंगे। तो फ्यूचर वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। चेस्ट के लिए सबसे पहले, जैसा आप देख रहे हैं, मैं लाइट वेट से वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे इंजरी का चांस काफ़ी कम हो जाता है। ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट है। फ्लैट बेंच में हमेशा ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ मुड़े हुए हो और आपकी बैक में हल्का सा बैंड हो, जैसे आर्क शेप में। उससे इंजरी का खतरा काफ़ी कम रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम शोल्डर इंजर हो जाता है चेस्ट एक्सरसाइज में, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें। ध्यान रखें कि रॉड आपके चेस्ट को टच करके जाए, फुल रेंज ऑफ मोशन रखें वर्कआउट का। तीन सेट किए हैं मैंने बेंच प्रेस के, उसमें आपको बीच में 30-45 सेकंड्स का रेस्ट रखना है। सेकंड एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। इसमें भी फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है हमें, पूरा नीचे और पूरा ऊपर तक। चेस्ट को स्क्वीज करने की कोशिश करें। आर्म्स को पूरा स्ट्रेट ना रखें, हल्का सा बैंड रखें और चेस्ट को स्क्वीज करने की कोशिश करें। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डंबल पुल ओवर। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विड्थ गेन करने के लिए, रिब केज को एक्सपेंड करती है एक्सरसाइज। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को बैक वर्कआउट में करना पसंद करते हैं, बट हम इसे यहाँ चेस्ट वर्कआउट में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए भी फुल रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि आपके हाथ कम से कम बैंड हो, एकदम स्ट्रेट भी ना हो बट हल्का सा बैंड हो और चेस्ट पूरा स्ट्रेच हो। उसके बाद अगली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये लोअर चेस्ट पे काम करती है। इसमें भी ध्यान रखें कि रॉड आपके चेस्ट को टच करके जाए पूरा। आपके चेस्ट मसल को स्क्वीज करने की कोशिश करें और फील करें चेस्ट पे। तो चेस्ट वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम ट्राइसेप में मूव ऑन करेंगे। ट्राइसेप के लिए हमने सबसे पहले स्कल क्रशर वर्कआउट किया है। स्कल क्रशर के लिए हमने बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन रखा है। वेरिएशन आप ट्राई करते रहें, उससे बॉडी को आदत नहीं होगी किसी वर्कआउट की। चेंजेस करते रहें वर्कआउट में। सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं रोप पुश डाउन। इसमें ध्यान रखें कि आप एंड में स्क्वीज करें ट्राइसेप को अच्छे से लास्ट तक। कुछ लोग इसे पूरा मूवमेंट नहीं करते हैं, नीचे तक नहीं लेके जाते हैं रोप को, बट आप ध्यान रखें कि रोप पूरी नीचे तक जा रही है आपकी, और खोलने की कोशिश करें हाथ को। उसके बाद हम ट्राइसेप के लिए किक बैक कर रहे हैं डंबल। इसमें आपका हाथ परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री, जितना आप रख सकते हैं, और पूरा ऊपर तक जाना चाहिए, अच्छे से ट्राइसेप मसल स्क्वीज होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।